वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो लली का टू लीग के दो मैच होंगे, अभी टाइम बदल गया, पहले मैच का टाइम कहीं मतलब कुछ और था। तो बात करें यहाँ पर, अभी जो मैच कवर कर रहा हूँ वो है एएलसी वर्सेस बर्गर्स के बीच। खास मैच नहीं है, मैं पहली राय दे दूँ, बेटर टू स्किप, ठीक है। तो बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैं कोशिश करूँगा कोई और मोर टीम्स ओपन देने की जहद से हद जितनी हो सकी, ठीक है। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे। सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा इस मैच के रिगार्डिंग, तो एएलसी वर्सेस बर्गर्स के अंदर दोनों टीम्स इवन एवरेज है, लेकिन बर्गर्स टीम लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एएलसी टीम ने इनको जितनी बार भी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में हराया है, मेरा मतलब है जितनी बार भी दोनों टीम्स आपस में जीत हार हुई है, उसमें एएलसी का विनिंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इस सीज़न अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ, सबसे मेन होता है रैंकिंग, कैसी आउटस्टैंडिंग्स चल रही है टीम की। तो मेरे हिसाब से एएलसी जो है सबसे डाउन, मतलब जितनी टीम्स है सबसे नीचे, और जो बीयूआर टीम है वो है मीडियम सेंटर पोजीशन पे। तो मेरे को लगता है कि बीयूआर टीम थोड़ी सी अच्छी रहेगी। बात करें गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा डैनी जिमेनेस को। डैनी जिमेनेस इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, और अगर पेनल्टी का चक्कर हुआ दैट्स वाई मैं इस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। आगे से बात करूँ डिफेंडर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर निकोलस गोरोशिटो को। निकोलस गोरोशिटो एक्चुअली एक डिफेंडर है, और एएलसी टीम की खास टीम है नहीं, तो मेरे को लगता है कि डिफेंडिंग पे मुसीबत है, क्योंकि जब ये आपको पता है जब अंडर प्रेशर होती है टीम तो फाउल ज़्यादा करते हैं, खेलते कम है, मींस कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, हमारा मेन प्लेयर भी हो सकता है उसमें, तो वो जब भी कोई भी टीम अंडर प्रेशर होगी तो वो गलती मिस्टेक कर देती है। एंड आगे से बात करूँ एफ गर्शिया की, फ्रैंक गर्शिया ने पिछले मैच के अंदर जबरदस्त खेला था, शॉर्ट ऑन टारगेट भी लगाया था, बट ये मैच है काफ़ी ज़्यादा पुराना, 5 सितंबर का, उसके बाद ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मतलब बहुत मैच हो चुके हैं। और ए रॉड्रिग्यूज़ की बात करूँ, एल्वारो रॉड्रिग्यूज़ एक नाइस प्लेयर, पिछले मैच में भी जोरदार असिस्ट की थी, और दोनों प्लेयर इवन मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड आगे से बात करूँ रूबियो की, तो भाई जो बंदे रूबियो को छोड़ने वाले हैं उनको बता दूँ कि फ्री किक के दौरान अगर ये बंदा कुछ असिस्ट या गोल करता है तो मुझे मत बोलना, क्योंकि मैं इस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। अगर आपने कोई ड्रॉप करना है तो आप इसको कर सकते हो, गोरोशिटो को, बट मैं आपको राय नहीं दूंगा एक भी डिफेंडर बीयूआर का ड्रॉप करने का। और एंजल रूबियो की बात, सॉरी मिगुल रूबियो की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे एतर कार्दोबा, तो ये प्लेयर जो आप देख रहे हैं एतर कार्दोबा, ये नॉर्मल प्लेयर है एंड थर्ड डिफेंडिंग रहेगा। बात करें मिडफील्डर की, देन बर्जिन को लूँगा यहाँ पर मैं। बर्जिन खास तो नहीं खेलता, अगर मैं बीयूआर की बात करूँ तो बिल्कुल एवरेज रिकॉर्ड है, बिल्कुल भी खास नहीं है, अगर है तो एक आधी असिस्ट। मैनुअल ब्रावो की बात करें, देन जे मैनुअल ब्रावो ने अभी हालांकि एएलसी का एक हालांकि 2-4 दिन पहले मैच हुआ था जिसमें कि मैनुअल ब्रावो ने ज़ोरदार असिस्ट के साथ अपनी टीम की वापसी करवाई थी। और वेलकैरसे की बात करूँ, वेलकैरसे एक आधी असिस्ट तो ज़रूर करता है, और ये जो हम मैच देख रहे हैं 3 सितंबर का, उसके बाद से अभी तक इसने गोल नहीं किया, तो शायद आज खाता खुले। और आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, देन जे गर्शिया की बात करूँ, जुएनमो गर्शिया पेनल्टी टेकर के साथ साथ टॉप का प्लेयर है। बीयूआर टीम अगर 80% मैच जीतती है तो मैं कहता हूं जे गर्शिया के बलबूते पे भी जीतती है, क्योंकि मैं मानता हूं टीम वर्क होता है, टीम्स की पूरी पावर रहती है, एक एक प्लेयर मेन है। लेकिन अगर एक बोलते हैं ना स्ट्रांगेस्ट प्लेयर, जैसे कि अगर आपको मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो आपको दो प्लेयर याद आएंगे जल्दी, एक फर्नांडिस और एक रोनाल्डो। तो वैसे ही अगर आप मेरे से बर्गर्स टीम की बात करोगे तो मेरा पहला नाम होगा जुएनमो गर्शिया। आगे से बात करूँ एएल साबरी को मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, इसकी जगह आप चाहो तो एक प्लेयर मैंने आपको बताना था, ये आप ट्राई कर, सॉरी ये प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, इसका नाम है रॉयल एसेंशियो, बट अभी मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो ये रही मेरी टीम, कैप्टन है मेरा गर्शिया, वाइस कैप्टन वेलशेर्शे, ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।